महाबली बजरंगबली वो चिरंजीवी हैं जो रामायण काल से आज भी जिंदा हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आप मेरी तरह हनुमान जी को दिल से मानते होंगे, लेकिन मेरा यकीन कीजिए आप भी हनुमान जी के बारे में सब कुछ नहीं जानते। हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें अगले ब्रह्मा बनने का वरदान दिया। दरअसल दोस्तों, ब्रह्मलोक की हर चीज का अंत होना तय है, फिर वो चाहे स्वयं ब्रह्मदेव ही क्यों ना हो। ब्रह्मदेव की आयु 100 वर्ष है, उनके 100 वर्ष हमारे पृथ्वी के हिसाब से कितने होंगे आइए देखते हैं। हमारे कलयुग का समय है 4,32,000 साल और वही सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग को मिलाकर बनता है एक महायुग, और ऐसे 71 महायुग मिलकर बनाते हैं एक मनु अवतार, और ऐसे 14 मनु अवतार मिलकर बनाते हैं एक कल्प, ऐसे ही 2 कल्प मिलाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ऐसे ही 360 दिनों को मिलाकर बनता है ब्रह्मा जी का एक साल, और ब्रह्मा जी जिएंगे 100 साल तक। दोस्तों जरूर आपको कुछ कुछ बातें समझ आ गई होंगी, लेकिन कुछ कुछ बातें तो ऊपर से निकल गई होंगी। आप जरूर ये जानना चाह रहे होंगे कि अगर हनुमान जी अगले ब्रह्मा बनेंगे तो जो ब्रह्मा अभी है उनका क्या होगा। दोस्तों जब मैंने ब्रह्मा जी के 100 वर्षों को पृथ्वी के वर्षों में कन्वर्ट किया तो मेरे दिमाग के तार हिल गए। चलिए एक झलक आपको भी दिखा दें। जब हमने 2 कल्प यानी ब्रह्मा जी के एक दिन का पृथ्वी के वर्षों में कैलकुलेशन निकाला तो वो बने हमारे पृथ्वी के 429,40,80,000 साल, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन और हमारी पृथ्वी पर बिताए गए 429,40,80,000 साल। और वही जब मैंने ब्रह्मा जी की पूरी 100 साल की आयु को हमारे पृथ्वी के वर्षों में कन्वर्ट किया तो मेरे दिमाग के तार हिल गए पूरे। वो पूरी डिजिट आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बिल्कुल दिमाग की नसें फाड़ देने वाला कैलकुलेशन है। दोस्तों अब ये कितने हजार करोड़ है या क्या है मुझे नहीं पता, अगर आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया तो आपको 100 रुपए मेरी तरफ से पेटीएम होंगे, और ये लकी ड्रॉ मिलेगा सिर्फ एक ही पर्सन को, क्योंकि मेरे को इतना पैसा भी यूट्यूब से नहीं आता।